सरकारी तेल कंपनियों की ओर से आज फिर पेट्रोल व डीजल की कीमतों में हुई बढ़ोतरी। यूपी में शिक्षा मंत्री के भाई ने असिस्टेंट प्रोफेसर पद से दिया इस्तीफा, गरीब कोटे से हुई थी नियुक्ति। दिल्ली पुलिस ने जबरन भाई के गैंग का किया भंडाफोड़, दो लड़कियों समेत चार को किया गिरफ्तार। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा, सरकारी अस्पताल में सुविधाओं की जानकारी देने के लिए मोबाइल ऐप बनाया जाएगा। टोल प्लाजा पर 10 सेकंड से ज्यादा नहीं करना होगा इंतजार, 100 मीटर से ज्यादा लाइन पर होगा टैक्स माफ। बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने कहा, बीएसपी की योजनाओं को जारी रखना होता तो गांव की हालत इतनी गंभीर नहीं होती। कोरोना वैक्सीनेशन में बड़ी लापरवाही, सिद्धार्थ नगर में 20 ग्रामीणों को पहली डोज कोविशील्ड और दूसरी लगा दी कोवैक्सीन। एसी व जनरल बोगी में नहीं मिल रहे यात्री, रेलवे ने निरस्त की राजगीर एक्सप्रेस समेत दो ट्रेन। डीजीपी ने दी पुलिस को हिदायत, चालान करने के बजाय जागरूक करें, आपदा में लोगों पर आर्थिक दबाव न डालें। डीआरडीओ की एंटी कोविड दवा 2DG की दूसरी खेप आज होगी जारी, 10,000 पैकेट होंगे रिलीज। देखते रहिए टीवी भारती समाचार, नजर हर खबर पर।